हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि लगातार हर हफ्ते जिस तरह से मैं रिव्यू कर रहा हूँ या फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प जानकारियाँ जो आपको दे रहा हूँ वो आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अपने दोस्तों में बांटें, सर्कुलेट करें। और अगर कोई फिल्म एंथुजियास्ट है, अगर उसे कुछ जानना है, कोई जानकारी चाहिए उसे, तो आप अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तो आज एक बार फिर हम हाज़िर हैं फिल्म रिव्यू लेकर, और आज की हमारी फिल्म स्पेशल है जिसका सबको इंतज़ार था। जी हाँ, एवेंजर्स एंड गेम रिलीज़ हो गई है और फिल्म का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो मैंने देखा है। और फिल्म जो है वो, अगर हम मार्वल सीरीज़ की बात करें तो लगभग 21 फिल्में थी, यानी ये 22वीं फिल्म है मार्वल सीरीज़ की। और एवेंजर्स अगर इस सीरीज़ की हम बात करें तो ये चौथी फिल्म है। जो पहली फिल्म आई थी वो साल 2012 में आई थी, फिर 2015, 2018 और अब 2019 में आई है इस सीरीज़ की चौथी फिल्म। और इस फिल्म का इंतज़ार इसलिए था क्योंकि पिछली सीरीज़ में जिस तरह से हमारे सुपर हीरोज़ मारे गए थे थैनोस के हाथों, आखिर क्या हश होने वाला है ये सभी ये जानने वाले थे। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर बता दूं कि मैं अपने रिव्यू में किसी तरह का खुलासा नहीं करने वाला कि थैनोस मारा गया या नहीं मारा गया, सुपर हीरोज़ का क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आपको फिल्म देख कर ही पता करनी होंगी। फिल्म देखना है नहीं देखना है ये आप मेरे रिव्यू के बेस पर तय कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को, अब मेरा ये तरीका है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि वो ये फिल्म देखें या ना देखें, या मैं मना नहीं करता। आपकी इच्छा है, मेरी राय मैं इस वीडियो के ज़रिए जाहिर कर रहा हूँ। तो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की अगर हम बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर हैं रूसो ब्रदर्स। जी हाँ, वही रूसो ब्रदर्स जिन्होंने पिछली सीरीज़ बनाई थी, एंथनी रूसो और जो रूसो। फिल्म में हैं एक बार फिर एंथनी रूसो और जो रूसो ने जो कास्ट असेंबल की है वो पुरानी ही कास्ट है। नए लोगों में कैप्टन मार्वल जुड़ी हैं, एंटमैन जुड़ा है, बहुत सारे और लोग भी जुड़े हैं। तो ये एक नए कास्ट के तौर पर देखा जाए। बाकी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, इसके अलावा मार्क रफेलो और बहुत सारे बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट। और इसमें एक जो मिसिंग आपको बंदा नज़र आएगा या आप नहीं मिलेंगे वो हैं ख़ास तौर पे सैमुअल एल जैक्सन, जो कि निक फ्यूरी के रोल में हैं। तो वो छोटी सी झलक उनकी, ये एक थोड़ा सा स्पॉइलर मैं दे रहा हूँ, उनकी छोटी सी झलक आएगी, वो पूरी फिल्म में आपको नज़र नहीं आने वाले। तो फिल्म, अगर एवेंजर्स एंड गेम की मैं बात करूँ, जो पहला इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा है वो इस फिल्म का कमाल का है। मतलब ये फिल्म इतने लेयर्स में और इतनी इमोशनली आपको पूरी तरह से कनेक्ट करती है ना, सबसे बड़ी खासियत है ये फिल्म आपको इमोशनल कर जाती है। फिल्म ख़त्म होती है एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी आंखें भर आती हैं, आप सोचने लगते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में। चूँकि फिल्म के ज़रिए किसी तरह का मैसेज आगे, क्या सीरीज़ कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, या इस सीरीज़ में अगली फिल्में बनेंगी नहीं बनेंगी, मार्वल जैसा करता रहा है वैसा इस फिल्म में कुछ भी एंड क्रेडिट के बाद नज़र नहीं आता है। तो ये एक बात है कि ये फिल्म आखिरी है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिल्म अगर केवल एवेंजर्स एंड गेम की पूरी एक कहते हैं पैकेज की अगर हम बात करें तो ये मन भर देती है। मतलब आप पूरी पिक्चर जब देख के निकलते हैं, 3 घंटे से ज़्यादा की फिल्म है ये, तो एकदम आप पूरी तरह से फिल्म आपको सेटिस्फाई करके निकलती है। आपको लगता है इस फिल्म ने जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, वो सारी शांत कर दी है। तो ये पहला इम्प्रेशन है फिल्म का लेकर मुझे। रिव्यू के अगले हिस्से में बात करूँगा आखिर कहानी क्या है, प्लॉट क्या है, परफॉर्मेंसेस क्या हैं, कमियाँ क्या हैं और खूबियाँ क्या हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो मैंने आपको बता दिया, इस फिल्म ने काफ़ी प्रभावित किया है मुझे। और अब कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी वहीं शुरू होती है जहाँ इन्फिनिटी वॉर ख़त्म होती है, यानी जो सुपर हीरोज़ हैं वो अलग अलग मोर्चों पर स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें एक तरह की हताशा है, निराशा है, क्योंकि वो थैनोस को रोक नहीं पाए और उसने दुनिया को ख़त्म कर लिया, यानी एक चुटकी में जो वो करना चाहता था उसने कर दिया। अब एक तरफ आयरन मैन को हम सबसे पहले फ्रेम में देखते हैं कि वो अंतरिक्ष में एक दिन के ऑक्सीजन के भरोसे बस अब इंतज़ार कर रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी फिलॉसफी चल रही है। दूसरी ओर हम बाकी सुपर हीरोज़ को देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं कि बड़ी ही अजलस सी ज़िंदगी चल रही है और कुछ भी उनमें
एक तरह का एक टीस है उन सभी सुपर हीरोज़ में जो भी बचे हुए हैं, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो और चाहे फिर नताशा हो और बाकी जो भी सुपर हीरोज़ हैं, वो सभी अपने अपने तरीके से गिल्ट में जी रहे हैं। इसी बीच आयरन मैन को रेस्क्यू करती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल को मार्वल सीरीज़ ने पिछली बार इंट्रोड्यूस किया था, एक फीमेल सुपर हीरो का कैरेक्टर है और वो रेस्क्यू करके आयरन मैन और ख़ासतौर पर जो गमोरा की बहन होती है उसे वापस लाती है। और इसको लेके फिर जो बाकी सुपर हीरोज़ हैं वो बातचीत शुरू होती है, सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उन ऑप्शंस पर बात होनी शुरू होती है कि आखिर अब हमारे पास क्या कुछ विकल्प बच रहे हैं थैनोस को रोकने के लिए, क्योंकि बीच बीच में थैनोस कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जिससे ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों पे भी वो इसी तरह का सत्यानाश मचा रहा है, इसी तरह की तबाही बर्बादी वो मचा रहा है। अब थैनोस तक पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आता है, लेकिन ये आइडिया क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मेन स्पॉयलर है फिल्म का, यही बता दिया तो फिल्म देखने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और इस आइडिया पर बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बताती है वो ये है कि एक तरफ तमाम सुपर हीरोज़ इस आइडिया पर चलते हुए थैनोस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर थैनोस भी एक तरह का, उसे भी एक ब्रिज मिल गया है, उसे भी एक कड़ी मिल गई है जिसके ज़रिए वो इन सुपर हीरोज़ पर लगातार निगाह बनाए हुए है। ये क्या कर रहे हैं, क्या इनके प्लानिंग है, वो सब कुछ थैनोस को पता चल रही है। कैसे, कब, कहाँ पता चल रही है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की कहानी की सबसे खूबसूरती यही है कि इसमें एक्शन आपको सिर्फ क्लाइमेक्स में ढेर सारा मिलेगा और वो भी ज़बरदस्त एक्शन, मतलब ढेर सारा एक्शन, और उसके पहले टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा बहुत एक्शन आपको मिलेगा। लेकिन जो बात सबसे अच्छी है इस फिल्म की कि इसमें लेयर्स बहुत हैं, हर कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ में, उसकी निजी ज़िंदगी में, उसके दिलो दिमाग में जो वो अपना एक युद्ध लड़ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेलिंग के साथ जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्होंने पेश किया है। और डायरेक्टर जो रूसो ब्रदर्स हैं, चाहे एंथनी रूसो और जो रूसो, ने उन्होंने पूरा टाइम लिया, उन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा की इस फिल्म को पूरा टाइम दिया है। उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि ये फिल्म वाकई इमोशनली लोगों को कनेक्ट करे और जब वो थिएटर से बाहर निकलें तो उनके मन में, उनके दिल दिमाग में इस फिल्म को लेकर एक जज्बाती हो जाना या उनकी आंखें छलक जाएं। बहुत सारे मैंने दर्शक ऐसे देखे जो एकदम कई मौक़ों पर उनकी आंखें छलक आई थी, बहुत इमोशनल हो गए थे, बाहर निकलते वक्त बहुत शांत थे लोग। और ये सबसे ख़ास बात है, ये फिल्म बहुत ज़्यादा जज्बाती है, आपको बहुत इमोशनली एकदम निचोड़ कर रख देगी और बहुत बहुत से ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप भावुक होंगे। और इस मुकाबले जो एवेंजर्स की बाकी फिल्में रही हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा मजबूत इस लिहाज से कही जाती है, एक्शन कमाल का है। मतलब आप ये फिल्म देखने के बाद ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट में इतना बेहतरीन काम हुआ है और एक तरह से कंटेंट होके निकलते हैं आप, मतलब ऐसा लगता है कि आपने टिकट जो ख़रीदा है या इस फिल्म को जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको डिलीवर करती है फिल्म। इससे ज़्यादा इस फिल्म के बारे में अब क्या बात करूं, परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी, ये एक बेहतर टीम वर्क का बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं जो पहले से इस्टेब्लिश हैं लेकिन उन्होंने एक स्टेप बैक किया है और जो शो है वो पूरी तरह से जो नए सुपर हीरोज़ हैं जो शायद मार्वल की अगली जो जनरेशन है और अगली फिल्में जो सीरीज़ की आएंगी उसमें सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालेंगे, उन सबको उन्होंने आगे बढ़ाया है। और सभी ने, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, आयरन मैन हो, हल्क हो या फिर बाकी के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, उन सभी ने एक एक स्टेप पीछे लिया है और इन कैरेक्टर्स को आगे बढ़ा है, अपनी जो लेगेसी है, अपनी जो पूरी विरासत है वो देते हुए नज़र आए हैं। और ये सब बड़े अच्छे मोमेंट है फिल्म के। तो 3 घंटे से ज़्यादा की इस फिल्म की ये सबसे बड़ी खासियत मुझे नज़र आई। जो कमी नज़र आई वो शुरू में थोड़ा सा आपको ये फिल्म ऐसा लगेगी कि फिल्म जो है वो कहीं किसी और जा नहीं रही है, बार बार कुछ चीज़ें एक जैसी ही हो रही हैं, एक निराशा, एक हताशा बहुत वक्त तक उसमें उलझी हुई है, लेकिन वो ज़रूरी था मेरे ख्याल से फिल्म के लिए। और रही बात थैनोस की, तो थैनोस इस बार ज़्यादा डेडली है। जी हाँ, इस बार थैनोस पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और कहीं ज़्यादा घातक है और वाकई तमाम जो सुपर हीरोज़ हैं वो एक साथ उस पर आक्रमण कर रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन
थैनोस सब पर भारी पड़ रहा है। अब इस बार कितना भारी पड़ेगा या मारा जाएगा ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी एक्टर्स की मैं बात करूँ आयरन मैन ख़ासतौर पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, तो इस फिल्म में एक अलग तरह का लेयर उनके कैरेक्टर में नज़र आया। उनका परिवार दिखाया है, उनकी एक बिटिया है इस फिल्म में, और उससे जब वो बात कर रहे हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं। और कैप्टन अमेरिका जो बहुत पॉजिटिव शुरू से रहा है, यहाँ पर उसका वो उसका विश्वास डगमगाया हुआ नज़र आता। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो बड़ी अद्भुत लगती हैं। दूसरी ओर सबसे ज़्यादा हल्क जो है, हल्क का कैरेक्टर में एक जो सबसे अच्छी सरप्राइज़ कह लीजिए या फिल्म की खूबसूरती कह लीजिए, कि इस बार हल्क और जो मार्क रफेलो का जो मेन कैरेक्टर जब वो सामान्य होता है, तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इन दोनों का हमेशा ही होता है कि वो हल्क को बाहर निकालना चाहता है, और हल्क जब आता है तो एक तरह की हर तरफ तबाही और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन नज़र आता है। लेकिन ये दोनों जो किरदार हैं, ये दो पर्सनालिटीज़ हैं, ये दोनों एक कैसे होंगी और क्या है इन दोनों की बात, और उसकी बड़ी अच्छी फिलॉसफी यहाँ दी गई है। और बहुत से अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं। आयरन मैन अपने फादर से मिलेंगे इस फिल्म में, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो बड़ा खूबसूरत सा सीन है। बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब आप जैसे मैंने कहा 3 घंटे ज़्यादा की फिल्म है, तो एक एक चीज़ बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि फिल्म ज़रूर देख कर आइए, अच्छी फिल्म है, और बच्चों के साथ देख के आइए, क्योंकि बच्चों को एक एडवेंचर तो मिलेगा ही, उन्हें बहुत सारी सीख मिलेगी इस फिल्म से, बहुत सारी बातें होंगी। कई बार जो आपकी सोच होती है वो फिल्में बड़े अच्छे तरीके से बता ले जाती हैं। तो उस मायने में एवेंजर्स एंड गेम बड़ी ताकतवर फिल्म है, ज़रूर देखिए। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स, और फिल्म अच्छी है, अच्छी बहुत मेहनत से एक अच्छे टीम वर्क का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई क्लू नहीं है, एक स्पॉइलर यही है कि एवेंजर्स एंड गेम शायद यही अंत है एवेंजर्स की सीरीज़ की फिल्मों का, क्योंकि किसी तरह का कोई क्लू, कोई एक अदद सीन नहीं है फिल्म के ख़त्म होने के बाद, मगर फिल्म देखने लायक है। फिल्मों की सही समीक्षा और फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।